सीएम योगी के एक बयान पर घमासान मच गया है। सूत्रों के अनुसार रविवार को योगी आदित्यनाथ यूपी के कोशीनगर में थे। चुनाव से पहले कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर सीएम ने पीएम की तारीफ की और विपक्ष पर हमला बोला। अब्बा जान कहने वाले हरासन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था, और आज कोई गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। और भाइयों बहनों, यही संकल्प लेकर के हम लोग चले। पहले गरीबों की नौकरी पर अब्बा जान कहने वाले डकैती डाल देते थे, पूरा परिवार झोला लेके निकल पड़ता था और झोला लेकर के वसूली में लगता था। लेखपाल की नौकरी निकली तो एक परिवार के लोग, एक खानदान निकल पड़ता था वसूली करने के लिए, 7 लाख 8 लाख 10 लाख रुपया दो, और फिर किसी भी योग्य व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं होता था। राम के जन्मभूमि के मंदिर निर्माण का कार्य भी जब बीजेपी की सरकार प्रदेश और केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तभी ये कार्य संभव हो पा रहा है। अब तो लोग बोलने लग गए हैं, राम मंदिर का निर्माण कार्य होते हुए देखकर लोग पत्र बोल रहे हैं कि अब हम अपना स्मारक नहीं बनाएंगे। भयभीत हो गए, उनको मालूम है भगवान राम का मंदिर दुनिया का सबसे खूबसूरत मंदिर बनने जा रहा है, सबसे बड़ा सबसे भव्य मंदिर बनने जा रहा है। क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाले राम मंदिर बनाते? क्या गोली चलाने वाले और दंगा कराने वाले कश्मीर से धारा 370 को हटाते? तालिबान का समर्थन करने वाले क्या 3 तलाक को रोकते? कहा जा रहा है इस बयान के जरिए योगी पहले की सरकार दौरान राशन के दुकान में जारी भ्रष्टाचार पर हमला बोला था, लेकिन जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट में उन्होंने कहा बीजेपी के पास सिवाय मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के कोई और चुनावी एजेंडा नहीं है। सीएम ने न कोशीनगर के मंच से अब्बा जान वाला बयान दिया बल्कि मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी का बिना नाम लिए चुनावी एजेंडा भी सेट कर दिया। सीएम योगी के बयान पर विपक्ष बीजेपी को घेर रहा है।